बिजली की वारदात इस हद तक बढ़ गई है कि घरों के सामने खड़े किए गए वाहनों को भी चोर नाक के नीचे से उड़ा कर ले जा रहे हैं। पर पुलिस भी इन चोरों पर कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला मानकापुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां घर के सामने खड़े एक वाहन को चोर ने चालाकी से चुरा लिया, पर उसी तरह पुलिस ने भी जाल बिछाकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पलोटी नगर के निवासी सुदर्शन वर्मा, जो कि 10 तारीख की रात अपना काम कर घर लौटे थे और अपना दोपहिया वाहन अपने ही घर के सामने उन्होंने खड़ा किया था। जब वे सुबह 5 बजे उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उन्हें अपना वाहन उस जगह खड़ा ना मिला। काफी ढूंढने के बाद भी जब सुदर्शन को अपना वाहन ना मिला तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तो गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी सरकार बार में आने वाला है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को बार से धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी का नाम सैफ अली खान है, जो कि महज 19 साल का है और पीड़ित के घर के पास ही रहता है। आरोपी सैफ अली से पूछताछ करने पर आरोपी ने चोरी की वारदात कबूली। बताया जा रहा है कि आरोपी सैफ अली वाहनों का टेक्नीशियन है, जिसके लिए उसे जानकारी थी कि किस तरह वाहन को चालू किया जाए, जिसका उपयोग कर आरोपी ने वाहन को चुराया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। ये जो तकरारदार है सुदर्शन सोनलाल वर्मा, उम्र 20 साल, रहना पलोटी नगर, इन्होंने रात को 10 तारीख को 10/4/2022 को रात को काम पे से आके गाड़ी अपने घर के पास लगाई और 11 तारीख को सुबह 5 बजे उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी घर पे वहाँ पे नहीं थी। यहाँ वहाँ ढूंढा फिर भी गाड़ी नहीं हुई। उनको पता चला कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई। उन्होंने उस प्रकार से हमारे पास आए, कंप्लेंट दी, हमने गुनाह दाखिल किया। गुनाह दाखिल करने के बाद हमने तांत्रिक मदद और गोपनीय माहिती से ये निकाली, इन्फॉर्मेशन निकाली, और तब जाके हमें पता चला कि सरकार बार जो है वहाँ पे वो लड़का आएगा करके। तो इस प्रकार से हमने उसमें ट्रैप ये करके उनके ऊपर कार्रवाई की। ये जो लड़का है आरोपी, इसका नाम है सैफ अली खान, उम्र 19 साल, और वो वही आजू बाजू में रहता है वहाँ पर। तो उनको हमने हिरासत में लिया, पूछताछ की, तो उन्होंने बोला कि हाँ उसने ये गाड़ी वारदात के जिसमें चोरी की है करके, और इस प्रकार से हमने आरोपी को डिटेक्ट किया है। वो इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है, ये गाड़ी का यहाँ पे काम करता था पहले, उसको थोड़ा सा वो ट्रिक पता है गाड़ी कैसे चुराते, कैसे चालू होती है बिना चाबी के वगैरह, उस प्रकार से वो ये करता। इसने इसके पहले भी किया था, गुनाह दाखिल हुआ है उसके ऊपर, और अभी वो हमारे कस्टडी में है, PCR है उसका चालू, और अभी और इंक्वायरी करेंगे बाद में इंफॉर्मेशन। NBCN न्यूज़ के लिए अजित कुंवर के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।